नमस्ते दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे 2020 वर्ल्ड कप का 43वां मैच फर्स्ट सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है। तो वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट, रेसेंट फॉर्म, ट्रंप प्लेयर, ड्रीम इलेवन टीम, CVC, टोटल 5 टिप्स इंपॉर्टेंट मिलते हैं। ठीक है, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिना इसके आप टीम नहीं क्रिएट कर सकते ना ही खेल सकते। ठीक है, उससे पहले आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। प्लस मैं आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे चल के ही बता देता हूँ कैसे आपसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे आने के बाद अगर आप लव क्रिकेट सर्च करते हैं यहाँ पे, तो लव क्रिकेट के नाम से एक चैनल दिखेगा जिसका सिंबल लव क्रिकेट का ही रहेगा। ठीक है, इसको ही आप सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे आपको फाइनल टीम मिल जाएगी, प्लस यहाँ पे वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप हमको मैसेज करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे लव क्रिकेट बोर्ड का एक चैनल है, इस पे भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, प्लस हमसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। ठीक है, और एक हमारा चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं हमसे, तो हमारा एक और चैनल है फैंटेसी कैप से नाम से, यहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फैंटेसी कैप सर्च करेंगे तो फैंटेसी कैप के नाम से ही एक चैनल दिखेगा, रेड ब्लैक कलर का सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा, इससे आप जुड़ सकते हैं हमसे। यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट फाइनल टीम मिलेगी, प्लस यहाँ पे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाएँ। अब हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, तो पिच देख लेते हैं। यहाँ से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच होने वाला है। बैटिंग बिहेवियर है, फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोर बनता है, सेकेंड इनिंग में टीम ऑल आउट हो जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे ज़्यादातर मैचेस हो चुके हैं, तो अब क्या है, फर्स्ट इनिंग में भी थोड़ा एवरेज रन बन रहे हैं और सेकेंड इनिंग में भी एवरेज बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्कोर कार्ड को देख के ही टीम क्रिएट करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान का लास्ट 5 मैचेस का रिसेंट फॉर्म क्या रहा है, तो यहाँ पे रिसेंट फॉर्म जो है, पाकिस्तान ने लगातार 3 मैचेस विन किए हैं, पीछे के 2 लॉस किए थे। ठीक है, वहीं न्यूजीलैंड की टीम 3 मैच विन की है, 2 लॉस की है। ठीक है, हेड टू हेड में देखते हैं, तो हेड टू हेड में यहाँ पे पाकिस्तान ने लास्ट 5 में से 4 मैचेस विन किए हैं, 1 न्यूजीलैंड ने विन किया है, यह अभी 2-3 महीने पहले का ही रिकॉर्ड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ से रिसेंट फॉर्म की। ठीक है, रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे रिसेंट फॉर्म मैंने अलग लिखे हैं, जैसे इनफॉर्म प्लेयर आपके लिए सदब खान, जी फिलिप्स, यम सेंडनर, टी साउथी, यम वसीम, एम हैरिस, यस अफरीदी, के विलियम्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, आपकी टीम में होने चाहिए। ठीक है, एवरेज प्लेयर मैंने इधर अलग लिखे हैं, जो आपके लिए देख सकते हैं, यहाँ पे डी कॉनवे है, टी बोल्ट है, टी आई अहमद है, यम रिजवान, एच रॉफ, एस मसूद, एल फर्ग्यूसन, या फलेन, यम नवाज, आई सूदी। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट यहाँ से एवरेज हैं। ठीक है, इनका परफॉर्मेंस थोड़ा लो है। ठीक है, उस हिसाब से मैंने इनको एवरेज में रखा है, और जो फॉर्म में है, जो जिनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, जो उनको मैंने इन फॉर्म में रखा है। ठीक है, तो इन फॉर्म के प्लेयर आपके ड्रीम इलेवन टीम में ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, अगर इसमें से मिस करते हैं आप, तो लॉस खा सकते हैं स्मॉल लीग में, या फिर GL के लिए आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के भी बेस्ट चॉइस इसमें से ही होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ से ट्रंप प्लेयर की। ठीक है, ट्रंप प्लेयर जानने के लिए चलेंगे ड्रीम इलेवन पे, वहीं पे मैं आपको ड्रीम इलेवन टीम CVC 3 टिप्स देने वाला हूँ। ठीक है, तो वहीं पे चल के हम ड्रीम इलेवन टीम की बात करते हैं, और ट्रंप प्लेयर कौन कौन से रहेंगे, CVC किसको बना सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ट्रंप प्लेयर देख लेते हैं यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन में, तो यहाँ पर 2 ट्रंप प्लेयर आपको मिल जाएंगे, या फलेन या महरिस, ठीक है, ये दोनों प्लेयर आपके अपोनेंट की टीम में नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपके लिए ट्रंप रहेंगे स्मॉल लीग में, प्लस GL में इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ महरिस भी फॉर्म में है, FLN भी एवरेज में है। ठीक है, बट यहाँ से FLN भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, एम हैरिस भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आई तो FLN चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 ट्रंप प्लेयर विकेट कीपर सेक्शन में हो गए, जो आप GL में ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो बैटिंग सेक्शन में यहाँ पे 2 ट्रंप आपको मिल जाएंगे, जैसे बाबर आजम। ठीक है, पिछले मैच में भी अपोनेंट ने बहुत कम लिया था, इस मैच में भी इनको कम ले रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। ठीक है, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में, आपके लिए ट्रंप हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यस मसूद है, ये आपके लिए ट्रंप रहेंगे, इनका भी सिलेक्शन कम है, ये आपके अपोनेंट के पास कम मिलेंगे। ठीक है, स्मॉल लीग में, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं, तो ऑलराउंडर सेक्शन में एम नवाज है, जिनका रिसेंट का जो 5 मैचेस था बहुत बढ़िया था, बट यहाँ पे इनको इस सीरीज में बॉलिंग नहीं मिल रही है। ठीक है, जिसकी वजह से इनका फॉर्म डाउन है, अगर इनको बॉलिंग मिलती है तो बहुत ही अच्छे पिक रहेंगे, कैप्टनसी की भी ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो आप GL में इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में आते हैं, तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ से देख लीजिए टॉप 5 बॉलर जो हैं, जिनका परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है, एल फर्ग्यूसन है, इनका परसेंटेज बहुत कम हो गया है, ये आपके लिए ट्रंप हो सकते हैं। एच रॉफ का भी परसेंटेज कम है,
ये भी आपके लिए ट्रंप रहेंगे। एंड शाह तो बहुत ही बिल्कुल एकदम परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए ट्रंप रहेंगे। जीएल में इनको कैप्टन बना सकते हैं, ठीक है। यन सोधी भी बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, ये आपको पॉइंट दे के जा सकते हैं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यम वसीम जो कि कैप्टनसी की बेस्ट चॉइस है, इनका सिलेक्शन 33% है, ठीक है, तो आप इनको स्मॉल लीग में भी कैप्टन बना सकते हो प्लस जीएल में भी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ट्रंप प्लेयर बता दिया जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, जिनका सिलेक्शन बहुत ही कम है। इनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बना सकते हैं, तो यहाँ से कैप्टन की बेस्ट चॉइस है बाबर आजम, ठीक है, बट यहाँ से रिस्की रहेंगे आपके लिए, ट्रंप भी हैं प्लस यहाँ पे रिस्की रहेंगे, ठीक है। इनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, जीएल में एक टीम में इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, अगर चल गए तो आपको जीएल भी दे देंगे, ठीक है। यम नवाज को कैप्टन बना सकते हैं, ठीक है, अगर बॉलिंग कराते हैं तो अच्छे खासे विकेट लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बात करते हैं आप नीचे, तो नीचे यहाँ से यम वसीम को कैप्टन बना सकते हैं या सरफ को कैप्टन बना सकते हैं, ठीक है, बाकी सब वीसी किसी को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ट्रंप प्लेयर देख लिए, अब हम बात करेंगे ऐसे ड्रीम इलेवन टीम क्या रहेगी, तो ड्रीम इलेवन टीम देख लेते हैं, ठीक है, चलते हैं ड्रीम इलेवन पे यहाँ पे, तो हमारी टीम क्या रहेगी देख लेते हैं। तो हम ड्रीम इलेवन टीम में यहाँ पे डी कॉनवे को लेने वाले हैं विकेट कीपर सेक्शन में और एम रिजवान के साथ जाने वाले हैं, ठीक है, दोनों ही बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, अगर चल गए तो अच्छे पॉइंट देंगे, नहीं चले तो फ्लॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों विकेट कीपर बहुत ही बढ़िया और नंबर वन बल्लेबाज हैं, ठीक है, दोनों को ट्राई कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में बात करेंगे, तो यहाँ से बैटिंग सेक्शन में केन विलियमसन आपके टीम में होने चाहिए, जी फिलिप्स आपके टीम में होने चाहिए, ठीक है। बाबर आजम को आप ट्राई कर सकते हैं, मैंने लिया नहीं है इनको। उसके बाद यहाँ से शान मसूद को आप ले सकते हैं, ठीक है, इनको भी आप मसूद को भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है, आपके लिए अच्छे पॉइंट दे सकते हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने इफ्तिकार अहमद को लिया है क्योंकि यह बॉलिंग भी करा रहे हैं प्लस यहाँ पे चौथे नंबर पे बैटिंग भी करने आ रहे हैं, ठीक है, तो ये अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकते हैं हमको, ठीक है, तो अच्छे खासे पॉइंट देके जाएंगे तो यहाँ पे विनिंग करने के स्मॉलिंग में ज़्यादा चांसेस इनकी वजह से हमारी बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो इनको ही मैंने इसलिए टीम में रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पे ज़्यादा कोई खास नहीं है, यहाँ पे सदब खान है, सेंटनर है, दो इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को मैंने रखा है, आप चाहे तो यहाँ से नवाज के साथ जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट बॉलर टी बोल्ट एस अफरीदी साउथी, तीनों को रखना है आपको टीम में स्मॉल लीग में। उसके बाद आप नीचे यहाँ से एल फर्ग्यूसन को ट्राई कर सकते हैं, यच राव को भी लेना है अपनी टीम में रख सकते हैं आप, यन शाह भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, आयसोधी भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यम वसीम है, यम वसीम मैं ज़रूर रखूँगा इनको अपनी टीम में क्योंकि यह अच्छे खासे विकेट टेकर बॉलर हैं, ठीक है, ज़्यादा विकेट चटका सकते हैं, ठीक है, तो मैं इनको अपनी टीम में ज़रूर रखूँगा। उसके बाद नीचे उतना कोई खास नहीं है, कोई खेल नहीं रहना है, तो यहाँ से बात करेंगे सी वी सी किसको बनाएं, तो सी वी सी हम देख लेते हैं, डी कॉनवे रिजवान को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जी फिलिप्स को भी बना सकते हैं कैप्टन, ठीक है। उसके बाद नीचे बात करेंगे, नीचे यहाँ से सदब खान हमारे कैप्टन रहेंगे, एम सेंडर को वीसी हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक, या फिर एम वसीम को बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यस अफरीदी को बना सकते हैं, लगातार दो मैचों में तीन तीन विकेट लिए हैं, ठीक है, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो हमारे कैप्टन सदब खान रहेंगे, वीसी हम अफरीदी या फिर सेंडर को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जो हमारी टीम रहेगी यही रहेगी, सदब खान और सेंटनर कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे, ठीक है, जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है हमारा टीम। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, फाइनल टीम रहेगी टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ओके, थैंक यू।